गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने अच्छे विशेज और इतने अच्छे कॉन्ग्रेचुलेटरी विशेज लिखे हैं मेरे लिए एंड फॉर माय मॉम एंड डैड. इट फील्स रियली नाइस. आई कांट टेल यू कि कितना बड़ा डील एंड अचीवमेंट है मेरे लिए इन माय लाइफ. ऑफ कोर्स अगर हमारे पास घर नहीं होता तो दैट वुड बी आवर फर्स्ट होम, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट निखिल ऑलरेडी मेड अ होम फॉर अस. सो जो मैं पहला घर खरीदा आई कुड गिव इट टू माय पेरेंट्स. एंड बहुत लोगों ने बोला शैनिस यू डिडंट क्राई, यू नो सच अ बिग डील फॉर यू. सो ऑनेस्टली 3 साल से रुकी हूँ मैं, बहुत डिले हुआ था, कितना झगड़ा हुआ उस बीच में, मैं बहुत रोती थी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. बट बोलते ना रुकते रुकते वो फिर चीज हो जाती है कि अभी बस मिल गया. ऐसा नहीं, आई थिंक दैट समटाइम्स यू कैन जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज इट टेक्स करेज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो. सम पीपल फेक इट येस, बट समटाइम्स ऑल्सो टू क्राई एंड पुट इट ऑन यूट्यूब इज इट्स अ बिग डील. तो मुझे नहीं कॉमेंट करना है उस चीज़ के ऊपर एंड मेकिंग इट कॉन्ट्रोवर्शियल. बट मैं ये बोल रही हूँ कि आई डिडंट क्राई और वी डिडंट गेट इमोशनल बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग फ्रॉम 3 years. एंड आपको पता भी नहीं है कि लाइक निखिल लिटरली कितना स्ट्रेस लेता था. लाइक यूज्ड टू बिकॉज ही हैड कन्विंस्ड मी टू पुट माय मनी इन दिस प्रॉपर्टी. तो आई रिमेंबर जब डिले हो रहा था तो निखिल बहुत फोन करके उनको बोल रहा कब होगा यू नो. एंड तभी एट दैट टाइम आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मेल्टडाउन ब्रेकडाउंस एंड एवरीथिंग. तो अभी इस बार जब हुआ ना मैंने बोला यार चलो एटलीस्ट हो गया फाइनली और अच्छे से हुआ. तो मुझे खुशी आ रही थी. रेडी टू मूव इन जब घर नहीं होता है, पैसा डालते हो तो आपको सस्ते में जरूर मिलता है. तो इतना भी सस्ता नहीं होता है, बट यू गेट ग्रेट डील. बट देन एक रिस्क रहता है कि वो डिले हो सकता है. बट एक्चुअली व्हेन वी पुट आवर मनी इनटू दैट बिल्डिंग काफी ज्यादा रेडी था, इंटरनली बना हुआ था. और वो जो आदमी की डेथ हो गई उसके कोविड के वजह से एंड एवरीथिंग के वजह से और जो इसका मेन ओनर था उसकी डेथ भी हो गई थी. आज का अपडेट ये है कि हम लोग निकले टू बाय सम स्पॉटलाइट्स, सीलिंग लाइट्स एंड सीलिंग फैंस घर के लिए. जस्ट टू टेल यू कि जब घर मिलता है आपको तो फैंस या फिर कभी कभी लाइट्स नहीं मिलती. लाइक जब मैंने हिरंदन में घर लिया था तो मुझे भी सेम फैंस नहीं मिले थे, फैंस खरीदा था. लेकिन टू माय गुड लक, आई मीन गुड लक क्या, पैसा वैसा था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गैस, चिमनी, ये सब बिल्डर ने दिया था. लेकिन ज्यादा करके घर में नहीं मिलता तो शैनिस ने जो घर लिया है उसमें सब नहीं. आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि मोस्टली घरों में नहीं मिलता ये सब चीजें. हिरानंदानी ने दे दिया था ओनली इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी व्हिच इज वेरी गुड. हिरानंदानी ने तो बहुत कुछ दिया था, बता नहीं सकते. एग्जैक्टली. तो अभी ऐसे है कि ये जो घर है, ऑफ कोर्स यू गाइस नो दैट आई एम गोना मेक इट कम्प्लीटली, तो इसमें काफी टाइम जाएगा. बट आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज माय पेरेंट्स नीड टू शिफ्ट एंड दे नीड टू शिफ्ट बिफोर द रेनी सीजन स्टार्ट्स. तो हमने देखा कि कौन सा काम है जिसको बिल्कुल भी लाइक जस्ट डाले और हो जाएगा. तो सीलिंग जो है काफी अच्छा लगा मुझे. आई फेल लाइक आई डोंट वांट टू टच द सीलिंग और डू एनीथिंग टू इट. तो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले मैं उस घर में लाइट्स एंड फैंस जो है लगा देती हूँ. सो वो चीज हो जाएगा. एंड देन द किचन आल्सो डजंट नीड अ लॉट ऑफ वर्क. सो द नेक्स्ट इज गोना बी टू डू द किचन अप जितने जल्दी हम कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग एंड गेटिंग द लाइट्स एंड एवरीथिंग. देखते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू अ रैंडम शॉप जो पास में है. लेट्स सी व्हाट डील वी गेट एंड अगर जो लाइट्स मुझे चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता. एंड टुडे एंड टुडे आई लर्नड कि एक रिमोट कंट्रोल फैन भी होता है. एंड आई डिडंट नो अबाउट इट. निखिल ने मुझे बोला कि शैनिस ओल्ड टेक्नोलॉजी. एंड मैंने कहा मुझे कैसे नहीं पता था. सो वी आर गोना चेक आउट कि अगर वो रिमोट कंट्रोल वाला फैन भी मिल जाए तो वो भी ले लेंगे. ईजी हो जाएगा, एक ही टाइम पे सारा निपट जाएगा. तो अभी हम LBS मार्ग घाट कोपर में आए हैं एंड यहाँ पे एक दुकान है द लाइट बुटीक. तो इसमें जाएंगे. अभी लाइट्स तो दिख रहा है यहाँ पे बट फैन नहीं दिख रहा है. फैन के लिए कोई अलग दुकान ढूंढना पड़ेगा. लेट्स सी इफ वी फाइंड द लाइट्स वी वांट. एट अ गुड डील, एट अ गुड डील. एंड शॉप करते करते लुक व्हाट वी स्पॉटेड. वी हैव दिस एट आवर हाउस. द प्राइस ऑफ दिस, गुड प्राइस. Good price. Good price. Actually, ये वाला BLDC fan remote control. Let's see. वो छोटी है तो light consumption कम होगा. We'll try. कभी try नहीं किया. क्या आवाज़ से भी दे सकते हैं? हमको सेम शॉप में फैंस मिल गई. एंड जब मैं गई दुकान में सो आई आस्क्ड हिम आपके पास रेडी पीस है ना, तो ही सेड यस यस रेडी है. पर जब बिलिंग का टाइम आया तो मुझे बोलता है कल डिलीवर होगा बिकॉज अभी मुझे गोदाम से जाना पड़ेगा. गोदाम से बहुत टाइम लगेगा. बट यूजुअली ऐसा ही होता है, लोग कोई भी खरीदते हैं. तो अभी हमने सिर्फ 2 लाइट्स ली है ताकि हम चेक कर सके, 2 अलग अलग लाइट्स ताकि चेक करें कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है. एक जो स्पॉट लाइट है उसमें वील हैव टू डू लाइक वील हैव टू डिग अप द सीलिंग एंड दूसरा वाला जो विदाउट डिग अप हम डाल सकते हैं. ऑनेस्टली आई फील कि मुझे सीलिंग को डिग अप नहीं करना है. इट्स बेटर टू जस्ट पुट दोज लाइट्स.
लाइट्स, तो लेट्स सी, विल डिसाइड। अभी हम फिर से फ्लैट पे आ गए, अभी यहाँ पे रोज आना जाना रहता रहेगा, तो वी कॉल द इलेक्ट्रिशियन। अभी हम लोग जो दो लाइट्स लेके आए उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, देन वील मेक अ डिसीजन एंड प्लेस एन ऑर्डर। मैंने वो फैन वाले भैया को बोल दिया है कि अगर अभी आधे घंटे में फ़ैन भेज सकते हो तो भेज दो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड अभी हम मेजरिंग टेप लेके आए ताकि सारे अप्लायंसेस का जो है मेजरमेंट ले सके, उस हिसाब से ही खरीदे, ऐसा ना हो कि बड़ा फ्रिज ले लिया फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। सो सारी वो चीज़ें का हम अभी मेजरमेंट्स लेंगे। ये भी डिसाइड कर ले माइक्रोवेव कहाँ पर आएगा। माइक्रोवेव आई थिंक यहाँ पे आएगा मोस्टली, यहाँ पे वेजिटेबल कट करेंगे, धो के रखेंगे, तो ये छोटी मोटी चीज जो है डिसाइड करना पड़ता है अभी से, है ना। और यहाँ पर चिमनी, यहाँ पे डैडी भी एक्चुअली हेल्प करने के लिए अभी। एंड यहाँ पे जो जगह है विच इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, फिर ड्रायर और कुछ भी रख सकते हो, तो वे डिसाइड कि ड्रायर चूज करें कि डिश वॉशर चूज करें। सो दैट्स अ थिंग। मैं बोलता हूँ कि तू डिश वॉशर चूज कर, है ना, क्योंकि देखो सिर्फ दो लोग रहने वाले घर में, हम लोग कभी कभी आएंगे, हमारे कपड़े तो यहाँ धुल लेंगे। हैंडीकैप हो जाएंगे, मेरे को मशीन नहीं चाहिए, मेरे को हाथ से कर लेंगे। नहीं बराबर है, बट कपड़े तो वॉशिंग मशीन से धुलने पड़ेंगे ना। हम लोग इतने ओवरवेल्म थे, इतने खुश थे कि कुछ भी वैसा शूट करने का टाइम नहीं मिला था। अभी डैडी से पूछते, डैडी हाउ यू लाइक द हाउस, इट्स वेरी नाइस एंड यू आर हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली खुद का अच्छा एक मस्त घर पवई में। और नीचे वॉक करने के लिए कितना फर्स्ट क्लास है। डैडी को और कुछ भी चाहिए घर में, मुझे बोलते हैं फैन मत लगा, लाइट और हवा बहुत मस्त आ रही है, मैं ऐसे जी लूंगा। और सेकंड बोलते हैं नीचे पूरा गार्डन है, तो मैं गार्डन में बस मैं सबसे खुश हो गया, बिकॉज गार्डन में ग्रास है, रियल ग्रास, उस पर चल के खुश रहा। मेरे को तो वही चाहिए ना। He is so simple. और सब आजू बाजू फ्रूट्स वेजिटेबल शॉपिंग सब कुछ है। हाँ, तो that's the best thing. बस रूम में सोने का बढ़िया। हाँ, वो तो ये बोलते हैं मैं खिड़की विड़की खोल दूंगा आपको सोऊंगा। सब पूछ रहे कि why do you mummy daddy want to sleep in two different room? कौन? You are sleeping in different room. बोल दो, सच बोल दो। Mummy sleeping in different room, why? अरे वो that's how marriage survives. वो हर वक्त प्रेयर करके रूम बंद रहता है और अखा दिन प्रेयर चल रहता है। और डैडी को एसी नहीं चाहिए, डैडी को रूम खुला चाहिए, विंडो खुला चाहिए, तो दो दो अलग चॉइस कैसे होगी। तो मैं रात को अपने रूम में सोगा, तो अपने रूम में। अरे यार ये इसको इसकी मम्मी के साथ, इसकी मम्मी के सामने पूछना चाहिए, मस्त झगड़ा होता है, मजा तो देखने। ओह माय गॉड, मेरी मम्मी मेरे को मार देगी ये भी देख के व्लॉग में कि व्हाट इज दिस, दिस आर थिंग्स यू सी ऑन कैमरा। यस, कंटेंट। दैट्स नॉट कंटेंट, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि दे आर वेरी मच इन लव एंड एवरीथिंग। देखो भाई, बट ये होता है, ये होता है जब शादी अच्छी हो, बट बूढ़े होने के बाद ना फिर बर्दाश्त करने का। अभी भी निखिल मुझे बोलता है कितनी बार, लाइक अगर निखिल की एडिटिंग टेबल में खराब कर दी हो कुछ भी, उसके हम लोग दोनों का बाथरूम सेपरेट है बाय द वे, बस निखिल बहुत गंदा है, वॉशरूम बहुत गंदा रखता है, एंड आई कीप माय वॉशरूम रियली क्लीन, तो झगड़ा होता है। अगर मैंने कुछ भी निखिल का डायसन का बॉक्स वॉक्स मूव कर दिया, तो आप समझ रहे हो प्यार है, लेकिन सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके अपने स्पेस में लोग खुश रहते हैं। दिस इज अ tip to be happy in your marriage for a longer time. In modern times, you know, थोड़ा भी चिड़ होती है कि हम लोग creative लोग, थोड़ी भी चिड़ होती है ना, उसको ले ले बैठे, दो बाथरूम है तो ये use करो, मैं use करूँगा। हाँ, वहाँ पे divide करेंगे। Electrics. अच्छा, electric. खोल के नहीं सकते इसको हम? नहीं नहीं, वो उन लोग ही खोलेंगे, वो builder लोग का, pipe pipe बाहर check करने का। ओह, अभी निकल इसका देखो इधर तक ही लेना पड़ेगा। उन लोग को बोलना पड़ेगा हमारा 32.5 इंच स्पेस है, उसके हिसाब से एकदम ऐसा फिट होगा, एकदम स्नग फिट। ये लिख ले और ये भी देखता हूँ साइज के लिए क्या कर रहे हैं। ये तेरा है 26 इंच, 32.5 एंड 26 इंच। चिमनी के लिए भी ले रहा है, उस चिमनी लगाना ही पड़ेगा। ये 23.5 ले ले, 23.5 इंचेस, 23.5। ओके, फिलहाल मुझे ये दो चीज ट्राई करनी है, देखने के लिए कि कौन सी फिट हो रही है और कौन सी अच्छी लगेगी, तो उस हिसाब से है ना। तो एक ये लाइट है, तो सीधा ऐसे ही लग जाता है बिना दीवार को खोले, कोई भी एक जगह पे आप ट्राई कर लो ताकि हमको आइडिया मिल जाए। तो हमारा टेस्टिंग इज डन, ये लाइट हमने लगवा दिया है, दिस इज अ टेम्पररी स्पेस, ये सारे लाइट्स कॉर्नर में आएंगे, बट
बट आई थिंक वी लाइक दिस वन मोर देन द स्पॉटलाइट वाला आइडिया, तो हम इसको फाइनल कर दिए हैं। कल यहाँ पे आके अभी हम घर जाएंगे, कल सारा सामान डिलीवर हुआ तो साथ में फिटिंग कर देंगे वंस एंड फॉर ऑल। हम आए हैं क्रोमा जो हमारे घर के बाजू में है। आज मॉन्डी थर्सडे था तो मैं जिस चर्च से जाके आई हूँ परेशान कर दिया आज मुझे स्काई हुए चर्च में, उसका ध्यान रखते रखते बिकॉज निखिल मम्मी से मिलने गया था। ओ माई गॉड, आई एम सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, आई कॉन्ट टेल यू, बट आई नीड टू कम एंड बाय फर्नीचर, सॉरी अप्लायंसेस। आज से फर्स्ट डे है दैट वी स्टार्टेड वर्क एंड ऑलरेडी इतने खर्चे हो रहे हैं। हम लोग को ये फ्रिज बहुत अच्छा लगा है। साइज क्या? सो साइज देख रहे हैं 36.6 है, 26 है ना? ये भी 36.32.5 ये कितना है? ये बस एक दो तीन चार तक बस 4.5 इंच की और जगह। दैट्स गुड, इतना ही फ्रिज ले सकते हैं, डोर ओपन होने के लिए इस स्पेस के लिए। अरे हाँ, यू आर राइट। और एक ये वाला है व्हिच वी आल्सो लाइक। सही तरीके से लेना, फिट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 27 है। ओके, मतलब ये छोटा है, ज़्यादा ज़्यादा छोटा है उससे। नहीं यार, सेम ही है, नहीं वो 32 35 मतलब सेम लेंथ वाइज सेम है ये। और एक ये फ्रिज चेक करें बिकॉज ये बहुत कूल है इसका इंटीरियर, दिस इज व्हर्लपूल। इट्स 2 स्टार डेन नहीं नहीं बट ये सैमसंग वाला कितना स्टार है? नहीं, ये 28 है। ओके सो गाइस, विद अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई वाज कंफ्यूज सैमसंग या बॉश, बट देन आई केम टू नो कि बॉश इज अ मोर प्रीमियम ब्रांड, तो अभी हम इसके लिए जाएंगे। दिस इज कॉस्टिंग मी 51, बट आई एम होपिंग कि मुझे थोड़ा इस पे डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज आई टू टेक अ अवन ऑल्सो, एंड आई थिंक ये हमारे घर में भी फिट हो जाएगा अच्छे से। दिस इज अ गुड हाइट, इट्स अ गुड हाइट, तो आई थिंक वी विल फाइनलाइज दिस। 6 फीट टॉल से भी ज़्यादा टॉल, ठीक है ठीक है। एंड अभी हम देख रहे हैं माइक्रोवेव अवन, and you know guys the exciting feeling of buying everything for your house once again. I still remember jab shaadi hui thi to that time mera responsibility tha to buy all the appliances and the furniture and do the interiors for the house jo main aur Nikhil rehte hain shaadi ke baad, and abhi fir se mera time aa gaya to buy appliances for this house jisme mere mom dad rehne wale hain, mera khud ka pehla ghar, so it's so exciting. Of course paise to ja hi rahe aur jaane जाएंगे ही, आई नो आई एम प्रिपेयर फॉर इट, बट आई एम जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड टू फिल अप द हाउस विद ब्यूटीफुल अप्लायंसेस। हम ले रहे हैं वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर IFB बिकॉज हमारा ड्रायर IFB का ये, सो लेगा वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर दोनों ऑफ IFB बिकॉज काफ़ी अच्छा ब्रांड है ना। तो कपड़े अगर आपके वॉशिंग मशीन से जो ऑलमोस्ट सूखे तरह निकलते हैं, जो मॉइस्ट रहते हैं, उसके लिए परफेक्ट। अरे रेनी सीजन के लिए ये बेस्ट है। एकदम जो बाल्टी से गीले हुए लगाओगे ना, उसके लिए आपको महंगा वाला डिशवॉशर लेना पड़ेगा, ड्रायर लेना पड़ेगा। आई लव दिस ड्रायर। तो जस्ट पेमेंट कर दिया है मैंने फ्रिज का और अवन का, एंड आई थिंक हम लोग को कल या परसों मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, पर अच्छा लग रहा है कि खर्चे हो रहे हैं पर वो घर जो है फाइनली इट विल कम टुगेदर लाइक हाउ आई वॉन्टेड, एंड फाइनली मेरे मॉम डैड भी बहुत जल्द शिफ्ट करेंगे, लाइक नॉट बहुत जल्द बट जल्द, सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू पुट। इसके मॉम डैड तो बोल रहे हैं हम अभी आ जाते हैं, लेकिन ये बोलती नहीं रुको मैं घर बनाऊंगी। उनको ऐसे ही कि यार इट्स ओके, मैं तो हम लोग ऐसे ही रह लेंगे, डैड लाइक मैं चटाई डाल के सो जाऊंगा। जब मैं राइड पे जाने के पहले हो जाएगा कि बाद में? पहले तो ठीक। आने के बाद आई हैड टू सेंड सम फोटो फॉर वर्क, अभी आपने देखना स्काई ने फोटो ले लिया है। स्काई मामा मामा फोटो, मामा बेबी फोटो, बेबी बेबी मामा मामा शो मामा। Yes. Aww. Baby. Baby. खुद को देख के baby. Show me the photograph. This is yours. तो अभी हमने फैंस मंगा दिए हैं, तो अभी फैंस लगेगा, एंड लाइक वी सेड यस्टरडे कि ये जो है रिमोट कंट्रोल फैंस है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये कैसे लगेंगे, कभी यूज़ नहीं किया है मैंने। अब ये फ़ैन जो है लग रहा है, हमने स्टार्ट किया बेडरूम से, लेट्स सी कि ये इतना हवा करता है कि नहीं करता है नॉर्मल फैन की तरह। मेरा पहली बार था ऐसा फैन लगाने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ। एंड प्लस उसके ऊपर मजा आएगा बोलने के लिए, एलेक्सा टर्न ऑन बेडरूम फैन।
लेजीनेस की हद है, इंसान को फुल लेजी बना रहा है। ओए निकालना है, अरे निखिल दिस इज माय हाउस, वी विल रिमूव द प्लास्टिक, नॉट योर्स, नॉट योर्स। नहीं तू बोलेगा 10 साल बाद, तो आज फिर से मैं आई हूँ क्रोमा अकेले एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस एक्वा गार्ड जो हमारे घर में है सेम टू सेम खरीदने के लिए। आई वॉज गोइंग फॉर दिस वन पर ये पानी स्टोर करता है गर्म साधा, आई डोंट नो इफ आई वांट दिस बट आई फाइनलाइज दिस वन और चिमनी भी फाइनलाइज हो गया आज। दूसरे जगह पे बहुत डिले हुआ था सो अभी हम यहाँ पे आए पूछने के लिए इफ दे हैव द लाइट्स दैट वी वांट, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और सुबह के 8:30 हुए हैं ऑन अ संडे मॉर्निंग एंड टुडे इज ईस्टर, सो हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं रेडी हुई हूँ चर्च जाने के लिए, सो दिस इज़ माई आउटफिट, प्रीटी सिंपल, पता नहीं इसकी इस्त्री कैसे ख़राब हो गई, आई थिंक मैंने इस्त्री करके रखी थी रात को और साइड में रखी, स्काई खेलते खेलते पूरा इस्त्री इसका उलट फुलट हो गया है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आई लव दिस आउटफिट एंड आई लव दिस कलर ऑन मी। टुडे माई थीम इज़ रियली सिंपल एंड जैसे जैसे मैं अपने बाल धो रही हूँ वैसे वैसे मेरे बाल के कलर जो है और अच्छे उभर रहे हैं, सो आई जस्ट लव इट सो मच एंड हैप्पी ईस्टर टू यू गाइज। गाइज मैं घर आ रही हूँ आफ्टर 2 डेज देखने के लिए कि कैसा लग रहा है घर, बिकॉज नाउ फाइनली लाइट्स जो है लग गए। उस दिन मैं बोल रही थी कि लाइट जो मुझे चाहिए था वो इतना डिले हुआ था और दूसरी दुकान में जाके लाइट मुझे मिल गया था ऑन द स्पॉट, तो आज मेरे डैड ने आके पूरे दिन यहाँ पे काम करवाया तो सारे लाइट्स फैंस लग गए। इनफैक्ट कम घर काफ़ी सारा जो हमारा फ्रिज जो इतना बड़ा है, हाँ लाइट्स ऑन कर दिया, अच्छा लग रहा है, जो लाइट्स फैन मत चालू कर, अच्छा सॉरी, जो फ्रिज है वो आ गया है, इसको एक और लाइट दिखानी है जो उधर है बट उसका स्विच उधर है, हाँ। यहाँ पे चिमनी आ गई है, दिस इज एक्वा गार्ड, अभी ये वाटर पर तो हम लेके आए थिंकिंग दैट यहाँ पे लग जाएगा पर अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि ये लाइक हमको ये काटना पड़ेगा एंड फिर ही लगेगा, इसमें नहीं लगने वाला बिकॉज आपका जो ये एक्वा गार्ड है बहुत बड़ा है, सो अभी ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन एंड द बेस्ट पार्ट इज आई फाइनली गॉट एन इंटीरियर डिजाइनर ऑन बोर्ड, आई विल टेल यू हू शी इज एंड ऑल द डिटेल्स लेटर ऑन, बट फाइनली जब हम ट्रैवल भी करते रहेंगे मेरा और निखिल एंड स्काई बहुत जल्द, तो वो आके सब काम जो है समझा देगी, मेरा विजन समझा देगी और इस घर का काम चलता रहेगा। एंड द अपडेट इज कि आई थिंक दिस हाउस मे टेक एटलीस्ट 45 to 60 days और मे बी मोर टू बी डन, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट आई एम सो एक्साइटेड, जिस ये लाइट लग के घर का खूबसूरत लग रहा है, तो मतलब जब मैं US जाऊंगा तब तक काम चलता रहेगा, आई थिंक तभी शिफ्टिंग शुरू, आई डोंट थिंक सो, नहीं होएगा, मैं तो लिख के देता हूँ, तो कैसा है, इट विल टेक टाइम, मैंने बोला सबसे पहले दो अब द किचन, बिकॉज किचन में जो लैमिनेट्स वगैरह के चेंज है यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हमारे ग्लेन में थोड़ा सा काम था उसको 2 महीना लग गए थे, नहीं बट ग्लेन का हमने पूरा घर तुड़वा के सब, नहीं बट तू समझ नहीं रही, छोटी छोटी चीज होती है ना, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तू अगर सारा सामान लगे देख, तू शिफ्ट 2 दिन में कर सकती है, लेकिन देखो छोटी छोटी चीजें करनी है ना, दैट टेक लॉट ऑफ टाइम, ये भी बोल रहा था अभी काफी काम चालू है ना, तो ये बहुत देर तक विंडो खोल के नहीं बैठ सकते प्रॉब्ली फॉर मोर 4-5 months, तो तेरे मॉम डैड शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये अनलेस बारिश शुरू होती है विंडो खोल के नहीं रख सकते, ये पूरा डस्ट हो जाएगा घर में। सो सारे आइटम्स जो हमारे घर पे डिलीवर हुए, सबसे पहले हमने बुक किया था वॉशिंग सॉरी फ्रिज एंड माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो चुका है पर हमको डिलीवर्ड नहीं हुआ, यस्टरडे आई कॉल्ड देम सेइंग दैट 4 दिन हो गए एंड डिलीवरी इज नॉट हैपेंड, सो आई थिंक देयर इज सम एरर, तो हम क्रोमा में आए बोलने के लिए पर हमारी डिलीवरी नहीं हुई है, सो कैन वी पिक अप द प्रोडक्ट फ्रॉम हियर एंड टेक इट, लेट सी व्हाट दे से, फाइनली अभी चिमनी जो लग जाएगा, ये सेंसर से काम कर रहा है यार, अब बोल, एंड ये चिमनी आज जो है लग चुका है अच्छे से, हमारा प्रॉब्लम हम लोग को लगा था कि नहीं लगेगा शायद, इसलिए प्रॉब्लम ना हो जाए, फिट ना हो या उसको कुछ कनेक्शन वनेक्शन चेहरेगा, तो बट ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड वेरी हेल्पफुल, ये स्लैब जो यहाँ पे कवर करा था वो निकाल के हमने ऊपर रख दिया, अच्छे से चिमनी जो यहाँ पे फिट हो गई है, सो आई एम सो हैप्पी, बाथरूम लाइट भी लगाने आए थे वो भी लग गया, तो काफी सारा वर्क इज गेटिंग डन, नहीं आजकल ना बिल्डर स्मार्ट होते हैं, वो उतना ही साइज देते हैं जितना एक चिमनी देखो फिट होगी, और ये वाला 2-in-1 चिमनी, मतलब आप फिल्टर वाला भी लगा सकते हो और कल को अगर हम लोग को कनेक्शन ऐसा बाहर लेना है प्रॉपर पाइप वाला, ये वाला वो भी लग जाएगा, yes. नाउ से एंड द बेस्ट पार्ट इज
टुमारो आई थिंक घर का एक्चुअल काम जो है शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो जो काम थे करने के लिए माइनर जो हम खुद कर सकते थे वो हो चुका है, तो कल से मेजर काम चालू होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट, और आगे के व्लॉग और ही मजेदार होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।